हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल और आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो कि 1 out of every 5 फीमेल में मिलता है, दैट इज पीसीओडी। यस, यू हर्ड बी करेक्ट, पीसीओडी विच स्टैंड फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। इसी का भयंकर रूप है पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम इज नॉट क्योरेबल, ठीक है, बट पीसीओडी को हम मैनेज कर सकते हैं। आखिर पीसीओडी होता क्या है? पीसीओडी एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर बहुत सारी सिस्ट बननी शुरू हो जाती है ओवरीज में। सिस्ट होता क्या है? सिस्ट वो होता है जिन्हें हम कहते हैं फ्लूइड फिल कैविटीज। जब ये बहुत सारी बनने लगते हैं ओवरी में, तो ओवरी का साइज बड़ा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं स्वॉलन ओवरीज। और यहीं से शुरुआत होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की, क्योंकि ओवरीज ही है जो मेन फीमेल हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल्स, जस्ट यू नो टू मेंटेन स्मूथ स्किन, टू हैव यू नो फीमेल लाइक वॉइस, एडिपोसिस, ये सारा काम करता है एस्ट्रोजन। वहीं पे प्रोजेस्टेरोन का काम होता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो जब इनका इम्बैलेंस होता है, तो यहीं से शुरुआत होती है इनफर्टिलिटी की, यहीं से शुरुआत होती है डिसमेनोरिया की, डिफिकल्ट मेंस्ट्रुएशन की। ऐसे मेंस्ट्रुएशन जहां पे भयंकर पेन होता है, लड़कियों को अक्सर वॉमिटिंग फील होती है, चक्कर आने लगते हैं, ऐसा लगता है दम घुट रहा है, सफोकेशन हो रही है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं दैट यू माइट बी सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी। तो आखिर इसके लिए हम क्या करें, क्यों हो रहा है ये मुझे? माइट बी जेनेटिक्स, यस माइट बी जेनेटिक्स हो सकता है, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, या कोई एक लंबी बीमारी हो सकती है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है किसी चीज को लेके, क्योंकि आज की जनरेशन में हर चीज की जड़ है स्ट्रेस। तो यहीं पे अब बात करते हैं कि आखिर कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसी 5 नेचुरल रेमेडीज है। अब आप कहेंगे कि मैम कैसे, आप कैसे बता रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, क्लास 11th एंड 12th में आई हैव आल्सो सफर्ड फ्रॉम पीसीओडी और मैंने इसको ठीक किया नेचुरली। तो मैंने उस टाइम पे क्या किया है, आई एम गोइंग टू शेयर माय 5 रेमेडीज टू यू व्हिच विल डेफिनेटली वर्क आउट अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं। पहली चीज, यस, अर्ली मॉर्निंग उठना। बहुत लेट नाइट नहीं सोना चाहिए, बहुत जल्दी उठना नहीं चाहिए, मतलब कि यू शुड हैव अ प्रॉपर स्लीप। Proper sleep pattern is absolutely important for girls, even for boys also. Second thing, exercise. I used to make sure that every day I used to walk for 30 minutes at least. Yes, 30 minutes ka brisk walk hona bahut zaruri hai because blood circulation mein increase hota hai and jab aap walk karte hai to ek happy hormone secrete hota hai which keeps you mentally, you know, stress free. ठीक है, तीसरी चीज डाइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइट। डाइट में यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट ईट लॉट ऑफ शुगर्स। बहुत ज्यादा पेस्ट्रीज नहीं खानी है, बहुत ज्यादा शुगर नहीं खाना है, क्योंकि पीसीओडी में योर बॉडी टेंड्स टू बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन को वो काम करने नहीं देती है, तो आपका जो शुगर लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज रहता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना अपने डाइट में यू डोंट टेक लॉट ऑफ शुगर्स। प्लस मैदा, मैदा इज समथिंग विच कैन बी यू नो डेविल फॉर फीमेल्स। मैदा नहीं खाने, आइदर बीट इन द फॉर्म ऑफ समोसास, इन द फॉर्म ऑफ मोमोज, और इन द फॉर्म ऑफ बर्गर और पिज्जा, बिल्कुल भी नहीं खाना है। फिर आते हैं नेक्स्ट चीज पे, क्या करना चाहिए। योगा कैन बी अ वेरी गुड थिंग, और अगर आप ऑलरेडी इस पीसीओडी से सफर कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेडिटेशन। हर चीज आपके माइंड से जुड़ी हुई है, हर एक चीज। अगर आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा सोचेंगे आपके साथ बुरा होगा, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो बॉडी कॉर्टिसोल सिक्रीट करेगा, आप घबराएंगे तो बॉडी इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट करेगा। तो हर एक चीज जुड़ी है आपके शरीर में आपके दिमाग से। अगर आपने सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई भी नहीं करा सकता। तो अपने मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि यही एक चीज है जो आपको लॉन्ग टर्म तक खेलने में हेल्प करेगा। तो दीज वर माय रेमेडीज व्हिच आई यूज टू फॉलो, एवरीडे रेमेडीज। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिकॉज इट डिटॉक्स योर बॉडी। और जब मेंसेस आते हैं, बहुत दर्द होता है, तो आई यूज टू टेक अ हॉट बैथ, ठीक है, हॉट वाटर बैग जो मैं अपने एब्डोमेन पे रखती थी, इट यूज टू गिव मी लॉट ऑफ रिलीफ, बट कई फीमेल्स में देखा गया उससे भी नहीं होता। देन इन दैट सीवियर केसेस आई यूज टू टेक मेफ्टल स्पास एज माई मेडिसिन। तो ये थी मेरी रेमेडीज दैट हाउ आई क्योर्ड माई पीसीओडी, एंड डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो डू इट। अगर आपने ठान लिया तो आप करके रहेंगे। फॉलो दिस एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, एंड दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और नॉट, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे बने रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फीमेल फ्रेंड्स एंड ऑल एवरीवन, इवन इफ बॉयज आर वॉचिंग दिस, मेक श्योर दैट यू नो फीमेल्स इन योर फैमिली ऑल्सो वॉचेस दिस। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।